मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं मेज़बान साजिद गोरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना। नाजरीन, ये प्रोग्राम हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी में हम जब जाते हैं तो जहां कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, जो किसी बीमारी में हैं, जो कैसे अदारे चला रहे हैं जहां पर उनको फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो हम ये प्रोग्राम जब करते हैं तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो नाजरीन, मैं इस वक्त सराज जो है इंस्टीट्यूट है एक, जहाँ पर दो किस्म की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें सिलाई सेंटर भी है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करवाया जा रहा है। और ये जो अदारा जो बनाया गया है, ये इसी वजह से बनाया गया है कि यहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियाँ जो कि फैक्ट्री एरिया में जाती हैं तो बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। मैं इसे यूहन्नाबाद के अंदर डी ब्लॉक में मौजूद, जो कि 5 नंबर गली में ये अदारा बनाया गया है, सराज इंस्टीट्यूट, जो कि ब्यूटी पार्लर और सिलाई सेंटर दोनों को चला रहा है। और यहाँ पर टीचर्स भी साथ हैं, ख़वातीन ही, और बच्चियाँ यहाँ पर आ रही हैं, ट्रेनिंग भी ले रही हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पर जिस अदारे से जब इन लोगों से बातचीत की गई, मिस वगैरह से जो इनको चला रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने फ़ीस रखी थी लेकिन यहाँ पर लोग दे नहीं सकते थे, तो फिर हमने कहा क्यों ना इसे फ्री किया जाए। और ये अदारा इसी वजह से फ्री चल रहा है। अभी तक कुछ तकरीबन 10-12 जो स्टूडेंट हैं वो सिलाई सेंटर में हैं और 10-12 ही ब्यूटी पार्लर में हैं। और इनका विजन जो यही है कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज एरिया है, यहाँ पर लड़की जब मसीह कम्युनिटी की जाती हैं तो बहुत सारे वाकयात सामने आते हैं, जिसमें जबरी मज़हब तब्दीली, जबरी शादी और काफ़ी सारा जो है ना हमारी मसीही कौम को नुकसान होता है। तो इसी नुकसान पर बचने के लिए इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया और कहा कि हमारी बच्ची जब यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगी पॉलर की या सिलाई सेंटर की, तो अपना अच्छा और बेहतरीन घर बैठे रोज़गार कमा सकती हैं। अगर घर नहीं रोज़गार कमाएंगी तो हमारे साथ ही मिलकर, आप मेरा कैमरा मैन को दिखाएगा कि यहाँ पर इस वक्त बच्चियाँ जो हैं और टीचर भी साथ काम कर रही हैं और बच्ची भी साथ काम करवा रही हैं, और क्रिसमस का सीज़न आने वाला है और लोग यहाँ पर थोड़े थोड़े से कपड़े लेके आए हैं। चंद लोग हैं जो यहाँ पर कपड़े टेस्ट के लिए, के साथ ही साथ टेस्ट भी हो जाएगा कि ये यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं कितना काम सीख चुकी हैं। तो साथ साथ ट्रेनिंग भी चल रही है, और साथ ही मेरा कैमरा मैन यहाँ पर भी दिखा रहा है कि एक बेटी को तैयार किया जा रहा है, और साथ ही वो इस जो है टीचर जो है उनको बता भी रही है कि इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो आइए ज़रा स्टूडेंट्स से ही बात करते हैं, तो जो अदारा ये चला रहे हैं उनसे ही बात करते हैं। इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हमारे साथ निशा नूरीन जो है वो हमारे साथ टीचर यहाँ पर मौजूद है। जी मिस निशा, बताइएगा कि आपने ये वेलकम किया है, ये हमारा, हमें बड़ा खुशी हुई है, ये किस तरह किया है आपने? सर, आपका प्रोग्राम देख कर हमें खुशी है। हाँ जी, खुशी हुई। हम मसीह कौम की आवाज़ बने हुए। अच्छा, आपने इंस्टीट्यूट जो बनाया है, सिलाई सेंटर फ्री और पॉलर का जो फ्री काम सिखा रही हैं, ये किस वजह से बनाया था? सर, मैं असल में मेरा जो है विजन था ये आपका कि हाँ जी, कि लोग बच्चियां फैक्ट्रीज में काम करती हैं वो ना करें, घरों में जो कोठियों में काम करती हैं वो ना करें, इधर बैठें, इधर आके सिलाई का काम सीखें और पॉलर का भी सीखें, तो घर में बैठ के काम करें। ठीक है, तो कितने साल हो गए अभी आपको? 3 साल। 3 साल हो गए। तो कितनी बच्चियाँ यहाँ से ट्रेनिंग करके जा चुकी हैं? 100। तो मैंने भी ये देखा है यहाँ पर कुछ बच्चियाँ कपड़े वगैरह बना रही हैं, कुछ लोग यहाँ पर दे रहे हैं कपड़े सिलवाने के लिए आपको? बस नॉर्मल से। हाँ जी, टेस्टिंग के लिए दिए। अच्छा, क्रिसमस के लिए। हाँ जी। तो आपका जो इरादा क्या है कि हमारी मसीह कौम को किस तरह की आप हेल्प चाहती हैं? सर, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं मशीनें, पॉलर का सामान, इस तरह की चीजें जो ना प्रोवाइड, कपड़े वगैरह आपको दिए जाए। हाँ जी, कपड़े वगैरह दिए जाए। ठीक है, मशीनें नहीं है, मशीनें चाहिए हमें। ठीक है, नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि मिस का यही कहना है कि हमें यहाँ पर पैसों की ज़रूरत नहीं। नीचे नंबर इनका लिखा हुआ है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। ये डी ब्लॉक यूहन्नाबाद के अंदर 5 नंबर गली में है, और यहाँ पर ऑलरेडी ये अदारा चला रही हैं 3 साल से, इसमें सिलाई सेंटर भी है, ब्यूटी पार्लर भी है। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहते हैं? सर, सैमुअल सर। सैमुअल सर साहब हैं? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा भी नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कितनी मशीनें वगैरह दी आपको? 3 मशीनें दी। हाँ जी। तो अभी कुछ और मशीनें कितनी चाहिए आपको? मैक्सिमम 10 मशीनें होनी चाहिए। 10 मशीनें होनी चाहिए। हाँ जी। तो ये जगह का जो नज़र आ रहा, छोटी है जगह। हाँ जी। तो इसके लिए आपको जगह भी ज़्यादा बड़ी चाहिए? यस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कम है कि अभी यहाँ चाह रहे हैं जगह नहीं? सर, स्टूडेंट्स आना चाहते हैं लेकिन जगह की कमी की वजह से नहीं आना चाहते, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और तो आप देख ही रहे हैं सर, वो सामने देख जी जी। हाँ, स्टूल्स भी नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादातर उम्र की तादाद कितनी है बच्चे? सर, 20 से 40 तक भी आ सकते हैं, कुछ भी सीख सकती हैं। हाँ जी, सीखने की कोई लिमिट तो ऐसे नहीं है। उम्र तो कोई नहीं, उम्र तो हाँ जी नहीं है। ठीक है,
तो अभी हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो नाज़रीन हैं उनको कुछ पैगाम देना चाह रही हैं अदारे के हवाले से। जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने इदारा यूहन्नाबाद में बनाया है, आप भी इस तरह कुछ करें ताकि ये जगह जगह पे इदारे बन सके और हमारी बच्चियाँ अपनी काम सीख सकें और उनकी इज्जत जो है महफूज रह सके। थैंक यू। जी हमारे साथ सैमुअल खोखसा मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि सर इस वक्त इस इंस्टीट्यूट को आप किस तरह की हेल्प कर रहे हैं साथ साथ? खुदा के जीम नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो नेशनल टीवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। एक्चुअली ये सेंटर चलाने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो क्रिश्चियन मसीही बच्चियाँ हैं वो ना तो लोगों के घरों में जाके काम करें ना फैक्ट्री में काम करें ताकि उनकी इज्जत बहाल रहे और वो अपना वो काम सीख कर अच्छे तरीके से बाहर रोजगार अपना इज्जत से रोजगार घर बैठ कर कमा सके। ठीक है, तो मैं इसके साथ तकरीबन काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो खुदावंद का शुक्र है कि हमने काफ़ी कोशिश की, इसने बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज किया हुआ है। ठीक है, इसका बकायदा रजिस्टर बनाया हुआ है, लड़कियाँ जो आती हैं उनकी बकायदा टेंडर्स लगती है, टेंडर्स मार्क होती है। ठीक है, और कोई भी बच्ची बगैर बताए नहीं जा सकती। यानी कि जो बच्चियाँ यहाँ पर आती हैं तो घर वालों को भी यकीन है कि महफूज आई हैं, बिल्कुल, और यहाँ सीधा घर जाती हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर किसी को जल्दी जाना तो उसका घर वाला अगर आके इसका रिक्वेस्ट करता है तो छुट्टी देती है, अदरवाइज जब तक इसका टाइम है ठीक है सेंटर का वो जल जाती है। अच्छा, आप भी सेंटर के साथ किस तरह काम कर रहे हैं? मैं मिस अलीशा के साथ ऐसे कह रहे कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। ठीक है, इनके साथ कर रहा हूँ काम, तो हमने कोशिश की है काफ़ी इसको बेहतर करने के लिए। डोनर से बात की है। ठीक है, तो हमें वाकई ही पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, हमने कोशिश की थी पहले तो एक सिस्टर ने हमें 3 सिलाई मशीनें प्रोवाइड की सेंटर के लिए, फिर एक यहाँ पे बची थी उनको व्हील चेयर की जरूरत। ठीक है, वो हमने कोशिश की कि 2 व्हील चेयर हमने यहाँ की 2 बच्चियों को प्रोवाइड की। ठीक है, मिस के कहने पर। ठीक है, फिर इसने कहा कि ये डिजर्विंग है तो इनको ज़रूरत है, ना ये चर्च जा सकती हैं ना ये कहीं आ सकती हैं, घर में बैठी रहती हैं, तो इसलिए इनको इसका करके दी। ठीक है, तो फिर मैंने कोशिश की खुदा के फजल से किसी से रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो फिर उन्होंने सेंटर के लिए 2 व्हील चेयर का बंदोबस्त किया। ठीक है, फिर एक बच्ची थी उनके उसकी वालदा जल गई थी। ठीक है, उसकी इन-लॉज ने जला दिया था। ठीक है, फिर इसको हमने हेल्प आउट किया था, राशन की जरूरत में फाइनेंशियली थोड़ा सा किया था, और वो जो बच्ची दूसरी जो हैंडीकैप है स्पेशल बच्ची है ठीक है उसको भी हमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया था ताकि वो अपनी मेडिसिन वगैरह का अरेंज कर सकें। हमारी मसीह कौम को प्लेटफॉर्म पे कोई पैगाम देना चाह रहे हैं आप? मैं तमाम अपनी मसीही कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा ना मसीही बच्चियों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इन्हें अपने बच्चे समझें, उनके जो लोगों के डिजर्विंग है उनकी हेल्प ज़रूर करें, पैसे की सूरत में लें, सामान की सूरत में कर दें, इनको कपड़े ले दें। ठीक है, इनको मशीनें ले दें। ठीक है, इनको और जो एक्सपेंडिचर रॉ मटेरियल को दे दें ताकि ये रेडीमेड तरीके से अपना यहाँ पर कपड़े भी सिलाई करें और रोज़गार कमा सकें। तो दूसरी ये गुजारिश है कि जो यहाँ के मसीही लोग हैं वो कोशिश करें कि इन बच्चों से कपड़े सिलाए। ठीक है, ये उनको अच्छे कपड़े सीखे देंगी ताकि इनका भी साथ रोज़गार चलता रहे, तो उनको भी मुस्लिम जज करते हैं। नादरी, ये अच्छी बात है कि ये इनकी जो रिक्वेस्ट है कि जहाँ के जो लोग हैं यूहन्नाबाद के, ये डी ब्लॉक में है, यहाँ पर जो 5 नंबर गली में है ये अदारा, यहाँ पर आए कपड़े यहाँ पर दें, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है, यहाँ पर जब कपड़े सिलाई के लिए देंगे तो कोई ना कोई रोज़गार यहाँ से निकल आएगा, बच्चियों के लिए भी आमदनी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुखिया जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो खुद इनके साथ मिलकर रब्ता करें, इस नंबर पे आएँ, इस अदारे को आकर देखें, यहाँ पर बच्चियाँ काम कर रही हैं, और इनको कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर दें ताकि क्रिसमस का जो ये मंथ है, ये आमद का मंथ है, तो इसमें हमें लोगों को मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं यहाँ ये स्टूडेंट बच्ची हैं उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर ये कितनी देर से काम कर रही हैं, तो कितना काम सीख चुकी हैं, तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। नादरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई सीख रही हैं, ये टीचर है यहाँ पर जो इस अदारे के अंदर काम कर रही हैं और बच्चों को सिलाई सिखा रही हैं,
कुछ बहनें भी यहाँ पर हैं, कुछ बच्चियाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, और हमारी यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं जी। आपको कितनी देर होगी यहाँ पर काम करते हुए? मुझे 6 माह हो गया, सीख भी लिया, कोर्स भी कर लिया, और तकरीबन 6 माह हो गया काम यहाँ पे कर रही हूँ। तो अभी कपड़े जो सिलाई कर रही हैं अपने खुद कर रही हैं? अभी तक नहीं हुआ। नहीं, अभी तक अपने नहीं किए। ठीक है, इधर ही कर रही हूँ। तो अदारा कैसे ट्रेनिंग दे रहा है? अच्छी दे रहा है आपको ट्रेनिंग? हाँ जी। ठीक है, तो कोई आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट के पैसे नहीं देते आप? नहीं, फ्री है जी। जी आप सुन सकते हैं नाज़रीन, और जी आपको कितनी देर होगी यहाँ पर सीखते हुए? 3 माह हुए, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब ट्रेनिंग ले रहे हैं? हाँ जी। तो कितना काम सीख चुकी हैं? अभी काफ़ी बेहतर सीख रहे हैं। अच्छा, काफ़ी बेहतर सीख लिया जी। बेटा आप कुछ बोलेंगी? कितनी देर होगी आपको? 2 माह हुए हैं। अच्छा, अभी 2 माह हुए हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं काम ही सीखूँ? घर वालों ने कहा कि अपनी मर्जी से आई हैं? नहीं, अपनी मर्जी। अच्छा ठीक है। तो जी हमारे साथ ये टीचर भी साथ हैं जी। मिस बताइए कितनी देर होगी आप ट्रेनिंग? मुझे 3 साल हो गए हैं ट्रेनिंग देते हुए। ठीक है, तो अभी तक कितनी बच्ची यहाँ पर ट्रेनिंग करके जा चुकी हैं? 100 हो गई है। ठीक है, तो अभी जो इस वक्त बच्चियाँ अच्छे तरीके से काम सीख रही हैं, जिम्मेदारी से आती हैं, सीख भी रही हैं और साथ काम भी कर रही हैं। अच्छा ठीक हो गया जी। तो जिस तरह स्कूल में अटेंडेंस लगती है उसी तरह ही टाइमिंग से आती हैं? जी, टाइम से आती हैं। तो क्या टाइमिंग है स्कूल की? इनकी 10 बजे की टाइमिंग है। अच्छा, 10 से शाम कितने बजे तक? 4 बजे तक। 4 बजे तक। तो बेटा आपको कितनी देर होगी यहाँ पर? मुझे 3 माह हो गए। ठीक है, अभी तक कुछ आया आपको? हाँ जी, काफी। ठीक है, तो जी बेटा आपको कितनी देर होगी? 4 माह। तो कुछ सीखा आपने? जी। ठीक है, तो बेटा आपने कुछ सीखा? जी अंकल जी। 2 माह हो गए आपको? जी जी। बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं, आपको पता है कि कैमरे के सामने जब आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात भी कर देते हैं। असल में बच्ची को जो 2 माह हुए हैं अभी तक यहाँ पर आए, 3रा मंथ स्टार्ट है, तो कुछ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। बहनें आप कुछ कहना चाह रही हैं सिलाई सेंटर के हवाले से? जी बोलिएगा जी। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मुझे भी कुछ दिनों में यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, तो ये बेटी आपकी है? मेरी नंद है, ये बेटी मेरी। मैं ऐसी जी बेटी मेरी है। साथ लेके आती हैं आप? जी। अच्छा ठीक है, तो आप कुछ सीखा यहाँ पर आपने? थोड़ी देर हुई। तो ना आप जिस तरह सिलाई सेंटर में बच्चियाँ सीख भी रही हैं, तो मैं इनसे आप कुछ बोलना चाहेंगी आप? कितनी देर होगी आपको? आज पहला दिन है। अच्छा, आज पहला दिन है, तो कुछ बच्ची यहाँ पर एक दिन पहला दिन है आज का, और मिस आप साथ आइएगा हमारे। जी जी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है बेटी को तैयार किया जा रहा है और ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ये बच्ची भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है? जी। अच्छा, तो आप कितनी देर होगी यहाँ पर आपको? 2 साल। अच्छा, आप यहाँ पे टीचर कर रही हैं? नहीं, टीचर हमारी ही हैं। अच्छा। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, मैं डबल पहले भी ट्रेनिंग किया, फिर ट्रेनिंग कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी एक्सपर्ट हैं फुल आप? जी मैम, मुझे काफ़ी ज़्यादा आता है काम। अच्छा जी, तो अभी घर पे भी कुछ करती हैं आप? आ जाए कस्टमर तो घर पे डील कर, कस्टमर घर पे आ जाए तो जरूर डील कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे टीचर हमारे साथ मौजूद हैं जी। मिस आप बताइएगा कितनी देर होगी आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट में? मुझे 6 मंथ हुए, अभी मैंने क्लासेस वगैरह दे रही हूँ, और बच्चे बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं, और हम लोगों ने ये फ्री रखा हुआ है। जो बच्चे मतलब बाहर काम करने के लिए जाते, घरों में काम करने के लिए जाते हैं, हमने उनके लिए रखा है कि वो बाहर मत जाएं, अपने ही मतलब इदारे में रहें, आकर सीखें और अपने घरों में जाकर खोलें, अपने लिए कुछ कर सकें, कमा सकें, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करें। ठीक है, तो आप अपनी हमारी भी सीखो, हमको जो स्टूडेंट हैं उनको पैगाम देना चाह रही? मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बहन भाइयों के कि अपनी बहनों से ताउन रखें और एक दूसरे की काम में हेल्प वगैरह करवाएं, ऐसे कारोबार बढ़ाएंगे तो आप अपना कुछ कर सकते हैं। दादा ने ये बड़ी सी बात की है, यहाँ की टीचर जो है ये पौधों का काम सिखा रही। आपको कितनी देर होगी यहाँ पर? मुझे अभी 2 माह हुए हैं। 2 माह हुए हैं, ठीक है। तो बेटा अभी यहाँ पर सीख रही, कितनी माह हुए आपको? 2 माह हुए। तो बेटा आपको कितनी देर हुई है? मुझे 1 मंथ हो गया। 1 मंथ। आपको कितनी देर हुई है अभी? जी। अच्छा, न्यू स्टूडेंट। तो आपको कितनी देर हुई बेटा? मुझे 3 मंथ हो गया। अच्छा, तो ये जो बच्ची है ये भी स्टूडेंट है? अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप के ऊपर ट्रेनिंग की जा रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो आप कितनी देर हो गई है? मुझे भी 2 साल। 2 साल हो गए आपको? हाँ। भी तो आप भी एक्सपर्ट है? हाँ। अच्छा, तो साथ सिलाई का भी सीख रही है साथ साथ? हाँ जी। नाज़रीन ये देखिए कि एक टिकट में ये 2 फायदे ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पार्लर का काम भी सीख रहे हैं, सिलाई का भी। ये अच्छा इंस्टीट्यूट है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, एक ही इदारे में अगर बच्ची यहाँ पर आती है तो एक ही इदारे में दोनों काम भी सीख सकती है और अच्छा रोजगार कमा सकती है।
मेरा ख्याल है ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो कि हमारी मसीही कौम की बच्चियों के लिए बेहतर साबित हो, ताकि वो यहाँ से ट्रेनिंग करके अच्छा रोजगार घर बैठे कमा सके। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे कैमरा तारिक पहले को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।